قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين من تبيهم إحسان إلى يوم الدين ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بري بإذن الله निगरामी जादू जिन्नात की हकीकत और इलाज के ताल्लुक से बात चल रही है जादू और जन्नात के असरात के इलाज के ताल्लुक से कल हमने मालूम किए कि असरात में मुबतला होने से पहले पेशगी पर एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं? आज से हम मालूम करेंगे कि मुबतला होने के बाद जादों में या जिन्नात के असरात में मुबतला होने के बाद अल्लाह हिफाजत फरमाए इलाज कैसे कैसे करना चाहिए जादू भी एक बीमारी है लिहाजा इसका भी एक बीमारी की तरह इलाज होना चाहिए जादू बीमारी है इस सिलसिले में इबन अक्यम ने अपनी शोहरा आफाक किताब अत्तिब तिब में जिक्र किया है असहर मिनल अमराद सिहर जादू ये बीमारियों में से एक बीमारी है मरदुम मिनल बिनल और बीमारी के ताल्लुक से प्यार नबी वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी का इलाज करो आप सल्लल्लाहु से सवाल हुआ जैसे कि तिरमिजी इब्ने माजा की सही रिवायत है हजरत उसामा बिन शुराय श्राय करु बयान करते हैं कि चंद देहाती लोग आपली की खदमत में आकर सवाल किए अल्लाह के रसूल क्या हम इलाज करें तो आप ने फरमाया ना या इबादल्ला तदाओ तुम इलाज करो दवा ले लिया करो यदा फ्ल इसलिए कि अल्लाह त जो भी बीमारी नाजिल की है बीमारी की शिफा भी अल्लाह ताला ने उतारी है एक और हदीस है जामिया सगीर में अनस रदी अल्लाह ताला अनु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या इबाद अल्लाह तदा अल्लाह के बंदो इलाज करो फैन अल्लाह दी खलकदा खलकदवा इसलिए कि वही जात जिसने बीमारी को पैदा किया उसने शिफा भी रखी है अभी शिफा कैसे है इलाज कैसे है उसके लिए मालूम करना है बहुत प्यारी हदीस है सही मुस्लिम की रिवायत है ये। अलैहि वसल्लम ने, ने फरमाया, दवा इल्ला ताला ने कोई बीमारी अगर नाजिल फरमाई है तो उसके लिए दवा जरूर नासिल फरमायालीमा हूं मन आलिमा, जिसने दवाई को जान लिया सो जान लिया वह जाहिला हूं मन जाहिला, और जिसने दवाई को मालूम नहीं कर सका सो मालूम नहीं कर सका तो हर बीमारी का इलाज तो है अल्लाह ने इलाज उतारा है मालूम करना वो इंसान की जिम्मेदारी है और नबी की यह हदीस सादिकल मसदूक है बहुत सारी बीमारियां चंद अयाम पहले चंद साल पहले उनका इलाज लोगों को पता नहीं था बाद में इलाज मालूम हो गया तो अलीमा हुमन आलिमा व जाहिला हुमन जाहिला जब मालूम नहीं था मालूम नहीं था लेकिन जब मालूम कर लिए उसके बाद इलाज होने लगा कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले इलाज था आज जो है उनका इलाज हो रहा है तो इलाज ढूंढना है इलाज मालूम करना है और यह भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब दवाई बराबर बीमारी के मुआफिक लग जाए तो अल्लाह की मर्जी से शिफा मिलती है अल्लाह के रसूल ने फरमाया सही मुस्लिम के भी हदीस है क्या आप ने कहा कि देखो एक हदीस लिकुल्ली दवा इन दवा लिकुल दा इन दवा फैदा उसीबा दवा उन दा, हर बीमारी के लिए इलाज हैं जब दवाई बीमारी के मुआफिक लग जाए यानी सही माने में डायग्नोस हो और उसके बाद सही इलाज हो सही दवाई लग जाए तो अल्लाह की मर्जी से शिफा मिलती है ये बहुत जरूरी है देखो डॉक्टर बहुत हैं अतिबा बहुत हैं हकीम हुकामा बहुत है लेकिन अल्लाह तला किसी के जरिए से शिफा देता है क्यों सही डायग्नोज करना है सही तरीके से मालूम करना है बीमारी क्या है उसके लिए क्या दवाई देना कितने मकदार में देना कितना देना है वो सारी चीजें उनको मालूम होती है तो इलाज मालूम करना यह हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह अल्लाह ने इसको उतारा है लिहाजा हमें चाहिए कि इलाज के ताल्लुक से कोशा रहे और इलाज ढूंढते रहें अब इलाज के ताल्लुक से हमें दो बातें मद्देनजर रखना है एक इलाज करते हुए हमारे अकीदे में हमारे दिमाग में ये तवक्ल होना चाहिए भरोसा होना चाहिए दवा दवाई ये दवा डॉक्टर ये जाहिरी सबब हैं मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह हैं यानी इलाज कामयाब कराने वाला अल्लाह है शिफा देने वाला अल्लाह है ये एक जरिया है एक जरिया है यही सब कुछ नहीं है शिफा यह नहीं दे सकता है चाहे वो आपके रूहानी इलाज के बारे में हो रूहानी इलाज कुरान से और दुआओं से इलाज कर रहे हैं अगर इंसान का ये अकीदा है कि इसकी वजह से शिफा मिली है तो शिरक तक जा सकती है बात अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में शिफा रखा है अल्लाह ने शिफा दी अल्लाह ने जरिया इनको बनाया है यही दवाई के ताल्लुक से भी हमारा यही ख्याल होना चाहिए कि दवाई एक जरिया है शिफा देने वाला अल्लाह ताला ही है सबसे पहली बात यह हमारे दिमाग में होना चाहिए कि शिफा देने वाला अल्लाह है दवाई एक जाहिरी जरिया है उसको जरिए के तौर पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए दूसरी चीज इलाज करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कहीं हम हराम इलाज में ना पड़ जाए शिरकिया और कुफरिया इलाज में ना चले जाए हराम तरीके से इलाज ना करें और ना क्या हो जाएगा सेहत भी गई ईमान भी बर्बाद होगा तबीयत भी बर्बाद हुई साथ साथ ईमान को भी अकीदे को भी गवा दिए तो ऐसे वक्त में इंसान की बड़ी आजमाइश होती है बड़ी आजमाइश होती है क्योंकि बीमार इंसान बहुत परेशान हाल रहता है इसलिए हमें चाहिए अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखते हुए आगे बढ़े मैंने किसी हॉस्पिटल में देखा या किसी डॉक्टर के डीपी में देखा बहुत अच्छा जुमला लगा कि वी केयर वी केयर ही क्योरस बहुत अच्छी बात है डॉक्टर्स केयर हम केयर करते हैं और ही क्योर्स अल्लाह ही क्योर करता है ये बहुत अच्छी बात है अलहमदुल्ला बहुत अच्छा लगा ये अकीदा हमारा होना चाहिए हम केयर करना है बस अल्लाह ताला क्योर करने वाला है अल्लाह से ये तवक्ल ये भरोसा रख के इलाज करें इलाज करने के बाद अल्लाह की जो मर्जी उस पर राजी बरजा हो जाएं और सबर करते रहें सबर में अल्लाह तबरक तला ने बहुत अजर रखा है बहुत अजर रखा है नबी ने फरमाया इन नमल अज़र मिल बला मुसीबत जितनी बड़ी होती है अजर उतना बड़ा मिलता है अजर उतना बड़ा मिलता है कोई तो बीमारी ऐसी आई इलाज की इलाज की शिफा नहीं मिल रही है परेशानी हो रही है सबर कीजिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह बहुत बड़ा अजर रखा है बीमारी मांगना नहीं चाहिए लेकिन कभी बीमारी आ जाए तो बहुत बड़ी नियामत भी है वो बहुत बड़ी नियामत भी है बस शर्ते के ईमान के साथ आदमी का अकीदा सही हो और अल्लाह पर हक्का तवक्ल के साथ सबर करें सही हदी से अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क्यामत के रोज कुछ लोगों को इतना बड़ा अजर मिलेगा इतना बड़ा अजर मिलेगा जन्नत में इतना ऊंचा मुकाम मिलेगा लोग तमन्ना करेंगे काश के मुझे भी ये मिला होता पता चलेगा कि इनकी बीमारी की वजह से पल पल जो सबर करते रहे मुसीबत की वजह से पल पल जो सबर करते रहे सबर एक इबादत है पल पल उनको सवाब मिलता रहा पल पल उनको सवाब मिलता रहा हा? और उसकी वजह से अल्लाह ने इतनी ने किया दी है कि आज उनको इतना ऊंचा मुकाम मिला यहां तक के अहल आफिया लतमन्ना अहल आफिया आफियत में रहने वाले लोग कल क्यामत के दिन इसके अजर सवाब मुकाम मरतबे को देख कर तमन्ना करेंगे काश के लव अन्ना मिल मेरे जिस्म को से दिया गया होता ऑपरेशन पे ऑपरेशन हुआ होता मैं बीमारी में, में मुबतला होता और इतनी इतना बड़ा अजर मुझे मतमना करेंगे पहली बात बीमारी नहीं मांगनी चाहिए आफियत ही मांगो अमान के बाद सबसे बड़ी दौलत आफियत की दौलत है इस्लाम और ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत आफियत की दौलत इसलिए अल्लाह के रसूल रहा अल्लाफवलिया मांगते थे अल्लाह आफी दे अल नहीं भी बदनी मुख्तलि आजा का नाम लेके कहा कि अल्लाह तला मुझे आफियत दे आफियत ही मांगना चाहिए बीमारी नहीं मांगनी चाहिए अगर अल्लाह की मर्जी से आ जाए सवर करने पर अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है इन मैं बिर सवर करने वालों को अल्लाह तेहिसाब बदला देता बेहिसाब अजर देता है सबर करें गलत राहों पे ना जाएं, गलत इलाज की तरफ ना जाएं, शिरकिया कामों की तरफ ना जाएं। जाए नबी अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ अबू उदौ की रिवायत है शिकल ने इसको सही करार दिया है ताला तहु रावी हैं, वो कहते हैं सुनबी नबी नबी करीम सल्लम को सवाल किया गया आने नुशरा, नुशरा के तल्लु से नुशरा फी ने कहा हुआ मिन अमल शैतान शैतान का अमल है नुशरा क्या है नुशरा किस को कहा जाता है जादू का इलाज जादू से जादू का इलाज जादू से जादू हराम है उसका इलाज भी हराम से कर रहे हो इससे क्या मालूम हुआ हराम से भी इलाज होता है हराम से भी हराम तरीके से गलत तरीके से भी इलाज हो सकता है लेकिन हो सकता है वो टेम्पररी हो मुस्तकिल ना हो सबर करें अल्लाह ताला मुस्तकिल इलाज कराएगा जैसे कि सही रिवायत है इब्ने मसूद ताला घर आकर देखे उनकी बीवी एक कड़ा बांधी हुई है कि ये क्या जी रग में बहुत दर्द होता है बहुत दर्द होता है वो एक यहूदिया है वो यहूदन के पास जाती हूं और जाके वो दम करके ये कड़ा बांध देती तो सही हो जाता है इब्ने मसूद के घर वाले शिरक से बेनियाज है जल्दी निकालो अगर यह तुम्हारे हाथ पे हो इसी हालत पे तुम इंतकाल कर जाओ तुम कामयाब नहीं हो सकते हो यानी तुम जन्नत में जा नहीं सकती हो जल्दी निकालो ये तो शिर कहा है फिर कहा नबी से जाके मशरा के नबी ने कहा कि देखो शैतान इंसान के रगो रेशे में चलता है दौड़ता है उस रग को जाके तकलीफ देता है आप जब शिर करते हो उसके बाद क्या होता भरोसा हाँ ये हो ये कड़ा ये तावीज ये पलीते ये गेंदे और ये जो टुकड़े ये सब हो तो क्या हो जाएगी बीमारी से शिफा मिल जाएगी बच्चे में नजर नहीं लागे काला ढप टपका लगा दिए काला धब्बा लगा दिए तावीज लटका दिए याद रखो अल्लाह पर नहीं इन चीजों पर भरोसा हो गया शिरक है अब शैतान क्या करता जब तक ये है चले जाता तकलीफ नहीं देता अब उसके दिमाग में क्या है ये कड़े की वजह से ही मुझे शिफा मिली है कड़ा निकालते शैतान आता फिर तकलीफ देता है ये वक्ति सोल्यूशन याद रखो हराम से ना जाए से शिरकिया से वक्ती इलाज हो सकता है परमानेंट चाहिए तो कुरान से इलाज करो और सही तरीके से हलाल तरीके से इलाज करो देर आए दुरुस्त आए देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है तो सब्र करें हराम रास्ते पे ना जाएं क्योंकि तो हराम रास्ते जाने की वजह से इंसान कामयाब नहीं हो सकता है बुखार की आखिर रिवायत सुन लें अब रही बयान करते हैं कि मैंने सैद मुसैम जो ताबीन के सरदार हैं उनसे दरियाफ़ किया और अबू हुरैरा के दामाद भी हैं उनसे मैंने दरियाफ़ किया भी अन ही। का कि अगर किसी पर जादू हो जाए जादू हो जाए या कोई ऐसा अमल हो जाए जिसकी वजह से उसे उसकी बीवी के पास जाने से रोक दिया जाए बीवी से मिलते हुए इसको सुकून नहीं चैन नहीं है या बीवी से नफरत या बीवी शौहर से नफरत इस तरह से कुछ हो जाए क्या करें इसके लिए तो कहा कि उसका दफा करना या उसे करने के लिए कलाम इस्तेमाल करना दुरुस्त है कोई कलाम यानी अलग तरह की कोई कलाम यानी कलामुल्ला से हट के तो उन्होंने कहा कि देखो उसमें कोई हरच नहीं बशरते कलाम शिरक पर मुश्तमिल ना हो यानी कलामुल्ला नहीं लोगों के कलाम कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं कुछ बातें ऐसे करते हैं कहा कि देखो तो उन्होंने कहा कि जब तक शिरक ना हो क्योंकि उससे पढ़ने वाले का मकसूद इसलाह है और इलाज है जो नफा रसा है नफा बख्शने वाला है अगर शिरक नहीं है तो करो कोई हर्ज की बात नहीं है तो एक जाबित एक एक फॉर्मूला रखी है कि शिरक नहीं है तो शिरक से बचते हुए जो भी इलाज है वो हम और आप कर सकते हैं हर वो इलाज जो हराम है और शिर है उनमें नहीं जाना चाहिए दुआ की जरूर आलमीन से अल्लाह तबरक और आपको बीमारियों से महफूज रखें अगर बीमार हो जाए अल्लाह ताला में शिफाए कुल्लीता फरमाए आमीन सुबह नकल्ला महमदी का शदुल्लाबी महमद